अच्छा, आपका कहना है कि धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा जा रहा है, कहाँ लगता है ऐसा, कहाँ लगता है? आप देख लीजिए, जहाँ आप जाइए, अभी मान लीजिए बेगूसराय में यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह हैं और उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। तमाम तरह की घटनाएं बेगूसराय में होती है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। सीमा में देखे कितना विभीषक आग लग गया था, तमाम लोग वहां पे गए, लेकिन गिरिराज सिंह को कहां का मुद्दा रखा गया था, रजौरा का, कब्रिस्तान वाला मुद्दा। तो यहां पे ये देखे कितना विभाजित कर रहे हैं, हमारे समाज को कितना तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि बेगूसराय को विकास का कितना ज़रूरत है। विरोधी लोगों का गठबंधन तो आप नहीं कह सकते, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र में संघर्ष चलते रहता है और निश्चित रूप से ये संघर्ष होना चाहिए। जब कोई भी पार्टी अपने आप को इतनी बड़ी समझ ले कि वो किसी और का वैल्यू देना बंद कर दे, तो उस स्थिति में जनता को आगे आना पड़ता है और इसी का ये नतीजा है कि महागठबंधन अब एकजुट हो रहा है, तमाम विपक्षी पार्टी जो है भाजपा के अगेंस्ट हो रहा है। सांप्रदायिकता को भाजपा ने इतना ज़्यादा हावी कर दिया है हमारे देश के तंत्र पे, जहाँ पे प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया, भारत की धर्मनिरपेक्षता खोती दिख रही है। अब हम चंदन लगाते हैं, हम हिंदू हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमको जबरदस्ती ये कोई मतलब कहे कि आप प्रमाणित कीजिए आप हिंदू कैसे हैं, आप देश के विरोधी हो जाइएगा अगर आप ये कह दीजिएगा कि हम धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को मानना देश विरोध थोड़ी है। जहाँ हिंदू आराम से रह रहे हैं, मुस्लिम आराम से रह रहे हैं, आपस में भाईचारा है, वहाँ पे आप जम्मू कश्मीर के मामला को बिहार में ला के दिखाते हैं कि देखिए यहाँ ऐसे हो गया, अब इस मैटर से हमको वोट दीजिए, तो ये चीज़ तो गलत है ना। पूरे देश में यही चल रहा है, वो भी मुरट्ठा बने हुए हैं जय श्री राम के नाम से, उसको देश से कोई मतलब नहीं है, चूँकि उसको पता है कि जय श्री राम हम बोलेंगे तो भाजपा में हमको आगे पदोन्नति मिलेगा, एक महीना के बाद, एक साल के बाद हम अपने प्रखंड का महामंत्री बन जाएंगे। इस बार का चुनाव जो होगा निर्णायक चुनाव होगा, निश्चित रूप से भाजपा को काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि या तो भाजपा इस बार सुधर जाएगी या फिर वो सरकार से हट जाएगी। ए वक्त जरा तमीज से पेशा, कितना वक्त लगता है वक्त बदलने में। एक युवा जिसने अपनी मेहनत से इस समाज को बदलने की कोशिश करी, उसने इस समाज में एक नई बुलंदी हासिल करने की कोशिश की, इस समाज को जोड़ने की कोशिश की। हमारे साथ एक युवा जो नेता बनने की राह पर है परंतु हमेशा समाज को बदलने की कोशिश की है, हमारे साथ प्रभाकर है। प्रभाकर, सबसे पहले केवी स्टूडियो में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके टीम का। अच्छा प्रभाकर, अभी वर्तमान समय में जो राजनीतिक पटाक्षेप देखते हैं आप, दिन भर कमेंट्स आते हैं, तो जो सबको जोड़ने के लिए एक विरोधी लोगों का जो संगठन बन रहा है महागठबंधन, बड़ा नाम है महागठबंधन, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोधी लोगों का गठबंधन तो आप नहीं कह सकते, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र में संघर्ष चलते रहता है और निश्चित रूप से ये संघर्ष होना चाहिए। जब कोई भी पार्टी अपने आप को इतनी बड़ी समझ ले कि वो किसी और का वैल्यू देना बंद कर दे, तो उस स्थिति में जनता को आगे आना पड़ता है और इसी का ये नतीजा है कि महागठबंधन अब एकजुट हो रहा है, तमाम विपक्षी पार्टी जो है भाजपा के अगेंस्ट हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। अच्छा, कहीं ऐसा बात तो नहीं है कि भाजपा बहुत मजबूत है जिसको हराने के लिए पूरी ताकत को एक होना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, भाजपा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसने एक बहुत बड़े मजबूत लॉबी को पकड़ लिया है। सांप्रदायिकता को भाजपा ने इतना ज़्यादा हावी कर दिया है हमारे देश के तंत्र पे, जहाँ पे प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया, भारत की धर्मनिरपेक्षता खोती दिख रही है। इस स्थिति में भारत की गरिमा बचाने के लिए, यहाँ की लोकतंत्र की मर्यादा बचाने के लिए जो भी पार्टी एकजुट हो रहे हैं वो इसी का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा जा रहा है, कहाँ लगता है ऐसा, कहाँ लगता है? आप देख लीजिए, जहाँ आप जाइए, अभी मान लीजिए बेगूसराय में यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह हैं और उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। तमाम तरह की घटनाएं बेगूसराय में होती है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। सीमा में देखे कितना विभीषक आग लग गया था, तमाम लोग वहां पे गए, लेकिन गिरिराज सिंह को कहां का मुद्दा रखा गया था, रजौरा का,
कब्रिस्तान वाला मुद्दा, तो यहाँ पे ये देखिए कितना विभाजित कर रहे हैं हमारे समाज को, कितना तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि बेगूसराय को विकास का कितना ज़रूरत है इस चीज़ को देखने के बजाय वो हिंदू मुस्लिम को देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे तमाम जिलों में, ऐसे ऐसे तमाम राज्यों में जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं भाजपा से जो संबंध रखते हैं, वो यहाँ पर वहाँ पर यही चीज़ कर रहे हैं और जनता को बड़गलाने का काम कर रहे हैं। इस स्थिति में हम समझते हैं कि तमाम जगह, और आप देख लीजिए ना कि आम जनता में भी अब इसकी भावना जो है बढ़ने लगी है। लोग एक दूसरे से नफरत के कगार पे आ गए हैं। लोग अब, हम चंदन लगाते हैं, हम हिंदू हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमको जबरदस्ती ये कोई मतलब कहे कि आप प्रमाणित कीजिए आप हिंदू कैसे हैं, आप देश के विरोधी हो जाइएगा अगर आप ये कह दीजिएगा कि हम धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को मानना देश विरोध थोड़ी है, लेकिन धारयति इति धर्मा, धर्म को मानना भी तो चाहिए। हाँ, धर्म को मानना चाहिए। और धर्म का सुनिए, हम बताते हैं, जब हम जन्म लिए थे 6 महीना का होंगे, जब मुंह से पहला आवाज़ निकला था, किसी बच्चा का होता है ना पहला स्वर निकलता है, तो हमारे गार्जियन जो हैं, घर के लोग हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से पहला शब्द गंगा निकला था, ठीक है। और जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर अभी तक हमारे परिवार में निज दिन हमारे पिताजी, हम और हमारे दादाजी सब लोग रामायण पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में मतलब पूजा पाठ करते हैं, और हम अपने आप को बहुत हिंदू समझते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन इसको समाज में, देश में क्यों लाना? कहना भी तो है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हमेशा हिंदू रहेंगे, आजीवन हिंदू रहेंगे, और जिस जिस दिन हिंदू पे खतरा मंडराते हुए हमको दिखेगा, हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा आगे आएंगे। लेकिन जहाँ पे हिंदुत्व का खतरा भी नहीं मंडरा रहा है, जहाँ हिंदू आराम से रह रहे हैं, मुस्लिम आराम से रह रहे हैं, आपस में भाईचारा है, वहाँ पे आप जम्मू कश्मीर के मामला को बिहार में ला के दिखाते हैं कि देखिए यहाँ ऐसे हो गया, अब इस मैटर से हमको वोट दीजिए, तो ये चीज़ तो गलत है ना। पूरे देश में यही चल रहा है, मामला कहीं का हो, मामला केरल का हो, चाहे मामला जम्मू कश्मीर का हो, चाहे मामला कहीं का भी, एक फिल्म आया था केरला स्टोरी, हाँ अब देख लीजिए, उसको लेके तमाम जो भाजपा लॉबी था वो उसको इसे प्रोटेस्ट कर रहा था जिसे कुछ कहने का नहीं। और अभी देख लीजिए हाल में फिल्म आया है एक आदि पुरुष, उसको लेके कहीं किसी भी प्रकार का कोई बका रहा है कि कैंची चलेगा डायलॉग पे। बताओ, राम भगवान को जिस देश में राम के नाम पे सरकार बनी, वहाँ पे राम को कार्टून बना दिया गया, और उस समय पे ये लोग का हिंदुत्व मर जाता है। मनोज मंतशिर शुक्ला, उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, इसमें गलत नहीं है, बच्चों को हम बस जोड़ते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने भी अपने भाषा में रामायण लिखा, तो हम लोग बच्चों को कनेक्ट करने के लिए लिखे हैं। नहीं नहीं, देखिए वो अब तुलसीदास की तुलना खुद से करने लगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब गोईठा को घी पिलाने से गोईठा तो गोईठा ही रहेगा, वो सबको हम देख, जो बॉलीवुड के लोग हैं उनका तुलना हम तुलसीदास से करने लगे, वो क्रिएटर हैं, स्टोरी लिखते हैं, और रामायण लिखने का पावर उनके पास नहीं है, और ना ही बॉलीवुड में, क्या देश में। अभी तो उन्होंने कहा कि हमने रामायण क्रिएट नहीं किया, मैंने युद्ध कांड को जोड़ा है। नहीं नहीं, युद्ध कांड को कहाँ जोड़ा है, ये सिर्फ सिर्फ जो हिंदू हैं हमारे देश के उनके इमोशन के साथ खेला गया है, उनको एक ऐसा चीज़ प्रेजेंट करने का कोशिश। देखिए अभी के डेट में क्या है, कॉन्ट्रोवर्सी कैसे होता, किसी भी मूवी में आप देख लीजिए, जब से ये राजस्थान में विरोध हुआ था, करनी सेना ने विरोध किया था, एक मूवी आई हुई थी जिसमें किसी, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, हाँ रानी थी पद्मावती, हाँ पद्मावती, चले फिल्म पद्मावती, ठीक है, उनके बारे में दिखाया गया था, जो जौहर जो की थी, वहाँ से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ, वहाँ से मूवी ट्रेंड करना शुरू हुआ, तो बॉलीवुड के लोगों को माइंड में एक बात आ गई कि चलो अब जहाँ से कंट्रोवर्सी होगा मूवी वहीं से ट्रेंड होगा, इस वजह से ये लोग इस लॉबी में जाके इस ढंग की फिल्म बनने लगे। कश्मीर फाइल्स आया, उसके बाद केरला स्टोरी आया, अब ये आदि पुरुष आ गया, तो तमाम जो मूवी RRR मूवी आप देखिए इस चीज़ से संबंधित है। तो अभी देश में जिस ढंग का माहौल है, सरकार जिस चीज़ के पक्ष में है, ये लोग बॉलीवुड वाले उस ढंग के क्रिएटिंग काम करते हैं और उस ढंग का मूवी क्रिएट करते हैं, और ये हमारे समाज में एक गलत मैसेज देने का प्रयास किया गया है आदि पुरुष के माध्यम से, इसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा प्रभाकर, युवा लोग आप फिल्म देखते हैं कि नहीं? नहीं, हम फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ जो कंट्रोवर्सी में जाता है तो स्वाभाविक बात है उसको देखना चाहिए कि आखिर क्यों इसमें कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिनेमा को देखता हूँ और उसको गंभीरता से देखता हूँ, इंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं, स्टडी के पर्पस से देखते हैं। अच्छा तो इसमें गलत क्या है, युवा लोग अगर फिल्म देख रहा है, हॉल में जाके देख रहा है, टिकट बिक रहा है, तो इसमें गलत क्या है? कंट्रोवर्सी अलग चीज़ है, लोग तो खड़े करते हैं। देखिए गलत ये है कि अब रावण सैफ अली खान बन जाएगा और राम बन जाएंगे बाहुबली, तो इस ढंग दाढ़ी मूँछ आ गया राम को, सीता जी का एक अलग रोल दिखाया गया है, हनुमान जी का एक अलग रोल दिखाया गया है,
जो सुग्रीव हैं, जामवंत हैं, इन सबको ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो कि कार्टून ही इनको बना के रख दिया गया। उसके बाद जो उनका डायलॉग्स है मूवी का, वो भी एक अलग टाइप का डायलॉग है। तो ये सारी चीज़ जो है नहीं होनी थी, और इस पर सरकार का जो सेंसर बोर्ड है बॉलीवुड का, उसको काम करना चाहिए था, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था कि देश के जनता के भावना के साथ खेल नहीं होना चाहिए। अगर एक शब्द राहुल गांधी बोल देता है मोदी समुदाय के बारे में, तो उसकी सदस्यता चली जाती है, और देश में तमाम करोड़ों हिंदुओं के साथ इस ढंग की भावनाओं के साथ खेल हो रहा है। अब मान लीजिए जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं वो तो हॉल जाएंगे नहीं देखने, वो जो अध्ययन किए हैं रामायण को, और आप जो दिखा रहे हैं, दोनों जब सामने आएगा तो उनको कैसा फील होगा? हमारे बच्चों को बिहार में खास करके, उत्तर प्रदेश में खास करके, जहाँ पे हिंदू की आबादी ज़्यादा है, घनी है, और जो लोग आस्था, पूर्वांचल में लोग आस्था ज़्यादा रखते हैं इन सारी चीज़ों पे, तो वहाँ पे गार्जियन काफ़ी हैं बच्चों को समझाने के लिए रामायण के बारे में। अब जो महाराष्ट्र है वो ऐसे साइड है, वहाँ पर भी देखिए शिवसेना जैसी पार्टी है, हिंदू हृदय सम्राट वहाँ पर थे, वो लोग काफ़ी हैं समझाने के लिए कि हिंदू क्या है, आपको आदि पुरुष के माध्यम से दिखाया जाए रामायण क्या है, तो ये तो गलत बात और इस ढंग की बात नहीं होनी थी। अच्छा प्रभाकर, आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, एक बयान देते हैं, तो इस पर एक युवा क्या सोचता है, क्या युवा को कितना बोलना चाहिए या युवा को मौन रहना बेहतर है? नहीं नहीं, देखिए आपको अपने अधिकार के लिए हमेशा बोलते रहना चाहिए, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोलिएगा तो फिर हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, इसका कोई पता नहीं चलने वाला है। और अभी का स्थिति ये है कि जिस स्थिति में अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको देशद्रोही बना दिया जाता है, आपको, आपके लोग, आपको लोग कंट्रोवर्सी में ले आते हैं, आप पे अलग अलग ढंग की टिप्पणियां होने लगती है, समाज में जो लोग उस लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अंधभक्ति में चले गए हैं, उनको देश का लोकतंत्र से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमको भाजपा का सपोर्ट करना है। चूंकि देखिए एक लॉबी, बीच वाली एक लॉबी खत्म हो गई, हाँ ये बीच वाली एक लाइन जो है ना वो खत्म हो रहा है समाज, विपक्ष में रहिए या विपक्ष में रहिए, सीधा बात, लोग संविधान को देखने के लिए नहीं तैयार हैं, लोग हमारे इतिहास को देखने के लिए नहीं तैयार हैं, हमारे लोकतंत्र की क्या मर्यादा है, हमारा देश जो है पूरे विश्व में क्या स्थान रखता है लोकतंत्र के मामले में, उसको देखने के, सीधा पक्ष और विपक्ष, देश का नेता राहुल और मोदी, बस यही दो चीज में अटका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, देश का कोई भी लोग प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको संघर्ष करना होता है, उसके लिए उसको आगे बढ़ के लड़ना होता है। तो देश में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दो ही चेहरा है, मोदी जी भी तो 2014 से पहले नहीं के बराबर थे, वो भी आए, अचानक आए, और भाजपा भी पूरे देश में उस ढंग से नहीं थी, हो सकता है कोई और आ जाए, या हो सकता है फिर से कांग्रेस आ जाए। चूंकि 70 साल में देख लीजिए, एक हाल में हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, 55 लाख करोड़ रुपया का कांग्रेस 70 साल में कर्ज लिया था विदेशी बैंकों से, और अभी जो मोदी का सरकार आया है 9 साल में 155 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे हो गया है, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि मात्र 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा, और इनका जब आना हुआ था भारत में तो हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद देखिए पुलवामा हमला हुआ, अभी तक कैसे मरे जनरल बिपिन रावत, ब्लैक बॉक्स से क्या रिपोर्ट आया ये आम जनता के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। तो सेना को ही कितना मजबूत रख रहे हैं कि उनका जो चीफ होता है, तीनों सेना का जो चीफ होता है वो डेथ कर जाते हैं, और उसका कोई मसला इसके पास नहीं है कि कैसे मरा। 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज बढ़ने का क्या वजह है? देश का स्थिति तो वहीं का वहीं है, हम नहीं ग्रोथ कर लिए बहुत ज़्यादा, ना ही आप किए, जो पूंजीपति हैं वो पूंजीपति बनते जा रहे हैं, या फिर जो अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, वो हमको कहीं नहीं लगता उस पर ब्रेक लगा है, प्रशासनिक कोई भी व्यवस्था पहले से ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हुई है, भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, और वो काला धन जो लाने का प्रयास कर रहे थे मोदी जी स्वीडन से और कहाँ कहाँ से, वो सारा चीज़ कहाँ आया है अभी तक, किसके अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया, ये तमाम जुमलेबाजी करके ये अचानक से सत्ता में गए, और अब वहाँ पे बैठे रहने के लिए तमाम तरह जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये भीतर कर देंगे, उसका सदस्यता ले लेंगे, यही मामला है और कोई बात नहीं। आखिर में चलते चलते युवा जाए कहाँ, क्या करे, आगे किस तरफ रहे? देखिए युवा, निश्चित रूप से युवाओं को ये बात सोचनी चाहिए कि जहाँ पे देश की मर्यादा बच रही है, जहाँ पे लोकतंत्र की मर्यादा बच रही है, और जो हमारे देश का रीढ़ है, लोकतंत्र का जनक है, जो जिसने देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम किया है, वैसे लोग के साथ जुड़ना चाहिए। आज भी जहाँ पे एक खिस्सा नहीं होता है कि फटलो छेद पीताम्बरी छे,
बुझलिए, पीताम्बरी ओढ़ लिए तो मतलब कि सब ठीक हो गया, हम पूजा पे बैठ सकते हैं फटाओ। और ऐसे तो आप देख लीजिए दूसरा कपड़ा पहन के लोग पूजा बैठता है, नहीं बैठता, वही बात है। हम तो समझते हैं कि कांग्रेस इस चीज़ में अभी भी फटा हुआ भी है, जिस भी स्थिति में है तो पीताम्बरी है और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और देश के लोगों को वंस अगेन कांग्रेस को स्टेबल करना चाहिए। आज महागठबंधन का एक बहुत ही विकराल रूप दिख रहा है, सब लोग संगठित हो रहे हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं। क्या लगता है 2024 सभी लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर वही बात होगी कि एक साथ लड़ेंगे और फिर धीरे 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 अलग होकर चुनाव लड़ लेंगे? नहीं देखिए, महागठबंधन के बैठक का मुख्य वजह है, हम आपको लोकल जगह से बताते हैं कि क्या उसका मकसद क्या है। जैसे बेगूसराय की बात ले लेते हैं, पिछले टर्म में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, यहाँ पे गिरिराज सिंह जो थे भाजपा के कैंडिडेट थे, कन्हैया कुमार थे सीपीआई के कैंडिडेट थे और तनवीर हसन जो थे वो महागठबंधन के कैंडिडेट थे। और क्या हुआ, तीनों जगह वोट बना, मतलब वोट सभी कैंडिडेट को आया, महागठबंधन के लोग महागठबंधन को वोट दिए, सीपीआई के लोग सीपीआई को वोट दिए और गिरिराज सिंह को भाजपा के लोग दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे सीपीआई और महागठबंधन जो पहले ऐसे भी वोटर आरजेडी, सुनिए हम बताते हैं, आरजेडी अब अगर दोनों कंबाइंड चुनाव लड़ती है तो यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों के जगह पे कोई एक कैंडिडेट होगा और उसके अगेंस्ट में क्या होगी, बीजेपी या बीजेपी के समर्थित कोई भी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। उस स्थिति में क्या होगा कि डायरेक्ट मुकाबला होगा भाजपा से और ये एकदम ज़रूरत था, क्योंकि भाजपा को पूरे देश से मात्र 30% वोट आता था और 70% वोट जो था इसी सब चीज़ में कट जाता था कि हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा हमारा लगे। और ऐसी स्थिति में भी भाजपा तमाम जगह हार रही है, अभी जो राज्य का चुनाव हुआ है तमाम जगह पे आप देख रहे हैं भाजपा की स्थिति काफ़ी बेहतर नहीं है, उसको पहले से कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, वोट प्रतिशत गिर रहा है और लोग इस सांप्रदायिक बातों को समझ रहे हैं। राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने फैसला दिया, अब आप उससे आगे तो बढ़िए, उससे आगे बढ़ के ये जाएंगे अब मथुरा में, तो इससे तो देश नहीं चलेगा भाई। देश को चलाने के लिए देश का जो सिस्टम होता है, इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, देश का जनता कैसे आगे बढ़े, कैसे यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो, कैसे भूखमरी खत्म हो, कैसे देश हमारा अमीरी में जाए, गरीबी में बढ़ते जा रहा है, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए नई सरकार की जरूरत है। अब मान लीजिए मथुरा वृंदावन तो होते रहेगा, अयोध्या राम मंदिर भी बना और हम लोग भी अयोध्या राम मंदिर गए थे, आपने देखा होगा 2017 में हमारा भी प्रयास था और देश के तमाम नागरिक का प्रयास था कि अगर इस ढंग का मामला है, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तभी फैसला दिया जब पक्ष हिंदुओं का पक्ष मजबूत था, तो इसी वजह से हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम तरह के आंदोलन हो रहे थे और इसका फायदा किसको मिला, भाजपा को मिला, बजरंग दल बीएसपी जैसे तमाम संगठन जो थे। अब मान लीजिए प्रवीण तोगड़िया को बीजेपी ने कहाँ फेंक दिया बताइए, जबकि बजरंग दल का अहम भूमिका रहा था 14 के चुनाव में, जब मोदी चुनाव प्रधानमंत्री की चुनाव लड़ रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे। और अभी प्रवीण तोगड़िया का क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, उनके पास सुरक्षा गार्ड का तक हटा दिया गया है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग जुड़े हुए थे वो सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। उस समय पे भाजपा का कहीं मान लीजिए कि कार्यकर्ता भी नहीं था, जो कार्यकर्ता थे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उसके बदौलत इसने चुनाव लड़ा था। और आज के डेट में हर जगह भाजपा का आप मान लीजिए कि बूथ अध्यक्ष तक तैयार है और वो भी मुरट्ठा बने हुए हैं जय श्री राम के नाम से, उसको देश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जय श्री राम हम बोलेंगे तो भाजपा में हमको आगे पदोन्नति मिलेगा, एक महीना के बाद एक साल के बाद हम अपने प्रखंड का महामंत्री बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे? नीतीश कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, राहुल जी कह रहे हैं मैं होऊंगा, स्टालिन कह रहे हैं मैं हो जाऊंगा और ममता जी भी तैयार हैं। बिल्कुल सब लोग तैयार हैं, लेकिन महागठबंधन से मोदी तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हरगिज नहीं होंगे और जो भी ये नतीजा आएगा, इन लोगों का बैठक संपन्न होगा तो निश्चित रूप से कोई एक चेहरा आगे जरूर आएगा और हम लोग जो है इस बार महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले चेहरा पहले पता चल जाएगा प्रधानमंत्री के कौन होंगे या फिर हार जीत के बाद। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना प्रधानमंत्री के चेहरा का लोकसभा चुनाव नहीं हो सकता, ये बात भी अखंड सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। और कोई भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे उन्हीं के चेहरा पे चुनाव होगा और ये इस बार का चुनाव जो होगा निर्णायक चुनाव होगा, निश्चित रूप से भाजपा को काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि या तो भाजपा इस बार सुधर जाएगी या फिर वो सरकार से हट जाएगी। राजनीतिक उथल पुथल के बीच बहुत सारी बातें हुई आदि पुरुष के बारे में, बातें हुई 2024 में कौन हो सकता है प्रधानमंत्री और बातें हुई कि युवाओं को क्या करना चाहिए। तो इतनी देर बात करने के लिए
एक युवा को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने उन तमाम बिंदु पर युवाओं का पक्ष रखा, आज के नौजवानों का पक्ष रखा और जो यंग ब्रिगेड है उस टीम का संपूर्ण पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके टीम का।